बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा होगा, इसमें किसी बात की कोई संशय नहीं है। मैं आपके इस अवसर पर एसटीआरएफ के सभी जवानों और अधिकारियों के अदम्य साहस, वीरता, सेवा और समर्पण और जो स्वयं की जिंदगी को दांव पर लगाकर औरों को बचाने का काम करते हैं, जैसा अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से समर्पण का भाव और लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने का जो जज्बा आप सबका है, मैं हृदय से आप सबको नमन करता हूं। आपका ये त्याग, आपकी कार्यकुशलता, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप लोग जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी जिस प्रकार साहस और पराक्रम का परिचय देते हैं, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं इस अवसर पर इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी को, जिस प्रकार से अशोक जी ने बताया कि अन्य राज्यों में भी आप सबको उदाहरण के रूप में, आप सबको सेवा के रूप में, और लोगों ने भी आपका ये उदाहरण सबके सामने रखा और आपने वहां पर जाकर सेवा की, आपने लोगों को सहारा देने का काम किया, कठिन परिश्रम, कठिन चुनौतियों पर खरा उतरे हैं, इसके लिए हम सभी को, पूरे उत्तराखंड वासियों को आप सब पर गर्व है। भाइयों बहनों, देश के किसी कोने में भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सबसे पहले हमारे पुलिस के जवान, एसटीआरएफ के जवान ही मोर्चा संभालते हैं और अपना जीवन दांव पर लगाने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। 2013 में एसटीआरएफ के गठन के पश्चात आपदा के समय में अनेकों समय पर जो आप सबके द्वारा कार्य किए गए वो अनुकरणीय हैं और बहुत ही प्रभावी कार्य आप सबने किए हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि अपने गठन से अब तक एसटीआरएफ द्वारा 3000 से अधिक रेस्क्यू ऑपरेशनों में 12000 से भी अधिक